हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन वे टेक्नोलॉजी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम नेमचीप डोमेन को अपने होस्टिंगर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस हम चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोमो ब्राउज़र पे, और मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ hostinger.in। सब मैं लॉग इन कर रहा हूँ और यहाँ से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं अभी देख सकते हो, अब मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ होस्टिंग करके, और मैं यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड डोमेन। और यहाँ पे आपको जो डोमेन ऐड करना है उसका नाम आप डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद मैं जाता हूँ नेमचीप, मेरे वहाँ पे जहाँ पे डोमेन है मेरे, वहाँ पे जा रहा हूँ। और मैं यहाँ से डायरेक्ट इसके डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। मैं पहले लॉगिन हो चुका था तो इसलिए मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। इसके बाद आपको ये साइट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसके मैनेज में जा रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये साइट हमें कॉपी करके डालना पड़ेगा। तो जो साइट का नाम है isipmar.com, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना है, यहाँ से ऐड वेबसाइट, यहाँ से हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि वेबसाइट क्रिएट सक्सेसफुली, जो वेबसाइट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके बाद मैं मैनेज पे जा रहा हूँ, और इसके बाद हम जा रहे हैं डोमेन के मैनेज में जा रहे हैं। इसके आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो नेमचीप बेसिक DNS। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एडवांस DNS में, इसके बाद मैं एडवांस DNS में क्लिक कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि TXT फाइल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑनरशिप वेरिफिकेशन के लिए तो आपको होस्टिंगर एक TXT फाइल देता है कि इसको वेरीफाई कीजिए, इसके बाद हम आपके डोमेन को ऐड करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उस टाइम हमें ये करना पड़ेगा, TXT फाइल में जाके यहाँ पे आपको पेस्ट करके फिर इसका वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं मांगा है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या करता हूँ, कस्टम डोमेन कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे दो सर्वर है ना, नेम सर्वर देगा है ना, DNS 1, जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ये कॉपी कर रहा हूँ नेम, और सिंपली इसको भी पेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से सेव कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये DNS सेव हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम जा रहे हैं ऑटो इंस्टॉलर पे, और इसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ वर्डप्रेस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट आ चुका है। मैं HTTPS कर रहा हूँ क्योंकि मैं SSL सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, इसलिए HTTPS कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं HTTP करता। ठीक है, तो आप यहाँ से वेबसाइट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी यहाँ सारा एंटर कर सकते हो, और होने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यूजर नेम डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है और साइट पे जाना है। आप देख सकते हो ये साइट रन हो चुका है। आप देख सकते हो ये SSL सर्टिफिकेट भी इसका एक्टिवेट है, क्योंकि मैं पहले ले चुका था SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, सी यू।